मैडम यहाँ देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा राजश्री के साथ काम करके, इतना मज़ा आया है। इतने लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, एंड वो लोग इतने स्वीट हैं, इतने बढ़िया लोग हैं कि मुझे लगता है कि हमेशा उनके साथ काम मिलता रहे। जी, कुछ बहुत ही एस्थेटिकली और बहुत ही ब्यूटीफुली किया गया है ये, और ऐसे दिखाया गया है कि इट्स अ सिंबल ऑफ, एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अ किस इज़ जस्ट अ सिंबल ऑफ लव, एंड बहुत प्यार से अवनीश ने उसको दिखाया है और हमको बहुत कंफर्टेबल किया था ऑन सेट। वी डिस्कस्ड इट और सब अच्छे से हुआ। मी एंड कनिका वर ऑन द सेम पेज, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली, और ट्रेडिशंस को भी रखा है। लाइक मुझे लगता है ये फिल्म आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। मेरे दादा दादी भी बैठे थे और सब सही था, सो इट्स जस्ट इट्स ग्रेट दैट इट्स हैपेंड लाइक दिस। सर जग्गू दादा ने कहा था कि बैंग बैंग वाली फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है, बट सिंपल फिल्म बनाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो मुझे लगता है कि यार अवनीश ने बहुत ही सिंपल क्यूट फिल्म बनाई है, और ऑफकोर्स किसिंग सीन तो है बट इट्स जस्ट एडिंग टू द फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आई थिंक क्लाइमैक्स में जितना वो इम्पैक्ट लाता है, और वही था कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीज़ों को मिक्स करना, कि कैसे आजकल की शादी जब होती है तो बच्चों को चाहिए मॉडर्न और बड़ों को चाहिए ट्रेडिशनल, और ये पिक्चर ने दोनों को मिक्स बहुत अच्छे से किया है। नेक्स्ट सर कुछ बहुत ही बड़ा होपफुली बताऊंगा वेरी सून। यस, थैंक यू सो मच।
मैम एक सोलो, मैम सोलो, यहाँ पे मैम सामने वेट वेट आकाशा थैंक यू दत्ता जी वेट 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 नताशा मारेगा तेरे को चुप रहे आई कॉल ले यतीन तांबे